अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपको न्यू व्लॉग में। आज की कुछ इस तरह है कि हम जा रहे हैं आज पिठ्याल, वहाँ से हमने लेना है कोई अच्छा सा बैट, मतलब साकी जर्मन जो हमें पसंद है। अभी हमने जाना है उधर, सब ने इकट्ठा होना है उधर से। हम इंशाल्लाह फिर मिठ्याल जाएंगे, वहाँ से इंशाल्लाह हम बैट सेलेक्ट करेंगे। फिर हमारा 1 बजे मैच है। पहले एक दो दिन पहले हम ले लेते लेकिन एक फौजकी की वजह से मतलब थोड़ा डिले कर दिया, उसके बाद आज हम लेने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको मिलते हैं गाँव जाके, क्योंकि वहाँ सारे इकट्ठे होंगे। 3-4 हम जाएँगे तो जो बैट हमें पसंद आएगा वो हम उठा के ले आएँगे। पहुंच चुके हैं रोड पे, नई मार्सलान लोग आ चुके हैं, अभी चलते हैं बैठ लेने। यार अभी हम पहुंच चुके हैं सहेली भाई की शॉप पे। काट के दी कैमरा नहीं यूज़ मैं तो ना यूज़ कर रहा हूँ। मैं तो जैसे क्या मारूँ। अभी हम जा रहे हैं यार बैट का वजन करने, तीनों बैटों का वजन करने। दो साकी हैं और एक जर्मन है, सामने शॉप है, जैसे हम उनका वेट कर रही है। तो उसके बाद हम यार इसकी लेंथ ज्यादा होती है जर्मन की, हमारे कद हैं छोटे छोटे तो संभाल नहीं जाते, हालांकि जर्मन चीज अच्छी है। जी तरह आए हैं, मुझे पेयर पसंद आ गया कबूतरों का, सेटिनेट वो दूसरी तरफ बैठा हुआ सेटिनेट 800। ये जो जर्मन है इसका वेट है जी 830। जो ये साकी है इसका वेट है जी 850। जो नीम के हाथ में है इसका पूरा 800, जो हमें पसंद है मतलब वेट के लिहाज से और हैंडल के लिहाज से। बैट वगैरह ले लिया और अभी निकलते हैं घर के लिए। बैट जर्मन के कवर में हमने बैट डाला है क्योंकि साकी का कवर है नहीं, अभी लेके निकलते हैं घर, उसके बाद चलते हैं ग्राउंड। A few moments later. अभी घर पहुंचा हूं, खाना खाते हैं फिर ग्राउंड भी जाना है। तो घर आया हूं और अभी तक ये हमारी मास्टर केज में जितनी मुर्गियां परिंदे वगैरह सारे बंद है, उनको भी निकालते हैं। A few moments later. अभी नमाज पढ़ के खाना वगैरह खा के हम जा रहे हैं ग्राउंड के। 1:30 का टाइम था और अभी हो गया 2:15, टाइम बहुत कम है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको इंशाल्लाह ग्राउंड जाके, भाई की चाबी अंदर ही रहेगी। रिव्यू देना है भाई, ये बात ये है कि लग तो ठीक रहा है, आप चेक करेंगे ना विकेट पे जाके। सही सही सही। टॉस जीत चुके हैं जी, अरसलान साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं। शॉट है।
ड्रा कर दो यार, ना कोई जीता ना कोई हारा, ड्रा करो। भेड़ बस ना क्यों घड़ी घड़ी ना भगी ना नवीन भाई वापिस आते हुए तो यार अभी हम मैच खेल चुके हैं, एक मैच जीते हैं, खा रहे हैं, तीसरी मैच में ज़रा रोला बन गया तो उस वजह से मैच हमारा ड्रा हो गया। तो अभी शेरी और रज़ा खड़ी हुई हैं, इनके साथ चलते हैं हम चाय पीने, क्योंकि शेरी का चले जाने वापस, तो इस वजह से अभी हम जाते हैं चाय पीने, फिर वहाँ जा कर आपको मिलते हैं। हम देखते हैं डेरे पर जाते हैं या गाँव में जाते हैं। अभी हम आ चुके हैं यार खमसा नजूम वाले के पास, यहाँ से हम चाय या कुछ चिप्स वगैरह शेरी से खाएंगे, क्योंकि हम डेरे पर जा रहे थे तो इसकी कॉल आ गई है। फादर साहब कहते हैं कि आपने हमें लेने आना है तो साथ वाले ट्रेन पर, इस वजह से अभी यहाँ पर आए हैं। शेरी साहब कहना चाहते हैं आप क्या कहना है? ये हमारे साथ ट्रेडर बैठे हुए हैं, ये भी पत्थर चेक कर रहा है, तो गायब थी नहीं करो। 1000 years later अपन सुल्तानी से फ्री हो के शेरे के लोगों घर छोड़ के अभी आया हूं घर, और अभी आके जरा थंबनेल बनाते हैं बैट को निकाल के। मुझे तो यार पहले दो मैचेस में मज़ा नहीं आता बैट का, क्योंकि मतलब पहले दूसरी बार में आउट हो रहा था, उसके बाद तीसरे मैच में थोड़ी सी मतलब हिटिंग हुई है तो तब थोड़ा सा मतलब बैट अच्छा लगा है, लेकिन बैठ जाएगा हाथ पे, दो तीन दफ़ा खेलेंगे तो सेट हो जाएगा। बाकी यार किसी का रिव्यू पूछेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।